नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। जितेंद्र को बॉलीवुड इंडस्ट्री का लेजेंड कहा जाता है और आज वो अपना 79वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर एक्टर को ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही हैं, उनके फैंस भी उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्हें दे रहे हैं। इस स्पेशल डे पर उनकी बेटी और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने तस्वीरों से बना एक वीडियो पोस्ट किया है और पापा को जन्मदिन की बधाई दी है। एकता ने वीडियो को शेयर करते हुए एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है। प्रोड्यूसर की इस वीडियो को उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। बता दें, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। हिंदी सिनेमा में जंपिंग जैक के नाम से जाने जाने वाले जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर के एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। जितेंद्र को उनके विशेष दिन की शुभकामनाएं देने के लिए उनकी बेटी और निर्माता एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ जितेंद्र की कई सारी तस्वीरें एक असेंबल वीडियो के साथ शेयर की हैं। एकता ने अपने पिता के लिए एक छोटा सा इमोशनल पोस्ट भी लिखा है। बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव हेड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ जितेंद्र की पुरानी तस्वीरों को एक असेंबल वीडियो शेयर कर लिखा, हैप्पी बर्थडे पापा, आपने मेरे पंखों को हवा दी। जब मैंने निर्माता बनने का फैसला किया तो आपने मुझे बढ़ने में मदद की। आपने जो मुझे सिखाया है उसके लिए मेरा प्यार स्वीकार करिए। लव यू पापा। बता दें, पापा जितेंद्र और एकता कपूर के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। इन दोनों का प्यार आए दिन देखने को मिल ही जाता है। आपको बता दें, जितेंद्र के आज भी चाहने वाले काफी हैं, लोगों ने आज भी काफी पसंद करते हैं। 60 से 90 के दशक में जितेंद्र ने बड़े पर्दे पर राज किया था। जितेंद्र ने 50 से अधिक वर्षों तक बॉलीवुड में बतौर अभिनेता कई फिल्में की हैं। अभिनेता वर्तमान समय में अपने परिवार के साथ मुंबई में एक शांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो अक्सर टीवी शो और फिल्मों में विशेष प्रस्तुति देते नजर आ जाते हैं। दिग्गज अभिनेता बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर और ALT एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष भी हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।